So hey guys, welcome back with another video. Hope you guys are safe or safe Rena. So today in this video, we are going to achieve cinematic soft looking photos in Lightroom Mobile. So without wasting any time, Lightroom Mobile को open करते हैं। और हाँ, आपको DNG और preset file चाहिए तो description link से ले सकते हैं। So Lightroom खोलने के बाद आपका photos को import कर देना है। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ effects पे। और मैं texture को थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाऊँगा। मेरे को ये photos का texture कम चाहिए। Clarity को भी कम कर दे रहा हूँ। अभी देख सकते हैं कि टेक्सचर और ये क्लियरिटी घटाने के बाद ये इमेज में थोड़ा सॉफ्टनेस आ गया है। इसी तरह हम डिहार्स को भी घटा लेंगे और इसमें और सॉफ्टनेस आएगा। अब देख सकते हैं, अभी हम लाइट्स पे जाकर कर्व करेंगे, शैडोज और हाईलाइट को चूज कर देंगे इसे करके। और थोड़ा हम ये कर्व से हमने मिड टोन शैडोज और हाईलाइट्स को चेंज कर दिया है। पोर्ट को थोड़ा सा घटाएंगे, हाइलाइट्स को, कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कलर्स पे ग्रेडियंट में। अब यहाँ पर ये कलर ग्रेडियंट से हम लोग ये शैडोज में थोड़ा ग्रीन एड्स करेंगे। आपको ये ग्रेडियंट्स का बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप मेरा जैसा कॉपी कर सकते हैं। अभी हमने शैडोज में थोड़ा ग्रीन्स डाल दिया है और हम अभी जाएंगे ग्लोबल पे। और ग्लोबल पे जाने के बाद हम थोड़ा इसको ऑरेंज की तरफ बढ़ा देंगे। और आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर रिजल्ट, हम थोड़ा सा टेम्परेचर्स को बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, आपका विंटेज लुक्स आ जाएगा। अभी हम कलर मिक्स में जाकर येलो को चूज करेंगे और थोड़ा जो टैक्सी है इसको हम कलर ग्रेड कर देंगे। इसमें ह्यू, सेचुरेशन और लुमिनेंस आपका हिसाब से भी ये कर सकता है, आपका फोटो का हिसाब से। और इफेक्ट्स में जाएंगे, विग्नेट को थोड़ा हम कम करेंगे, विग्नेट को थोड़ा कम करके ग्रेन्स पे जाकर ग्रेन्स हमको ऐड कर देना है 25%। सो वैसे ही हम ये फोटोज को भी हम सिनेमैटिक लुक्स देंगे। उसके लिए भी सेम इफेक्ट्स में चला गया, टेक्सचर को कम किया, क्लैरिटी को कम किया और डिहार्स को कम किया। डिहार्स को कम करने के बाद लाइट्स पे गया, कर्व में गया, शैडोज, मिड टोन और हाईलाइट्स को सेलेक्ट किया। शैडोज हम लगाएंगे, मिड टोन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हाईलाइट्स को भी करके बढ़ा देंगे। और हम जाएंगे अभी एक्सपोजर पे, थोड़ा कम करेंगे एक्सपोजर। और हम जाएंगे कलर ग्रेडियंट्स में और हमको ऐड कर देना है ये ग्रीन्स। थोड़ा सा ग्रीन ऐड करने के बाद हम लोग ग्लोबल पे जाकर ये ऑरेंज के तरफ ग्रेडिंग कर देंगे। और थोड़ा सा टेम्परेचर, इफेक्ट्स में जाना है, विग्नेट को थोड़ा कम कर देंगे और ग्रेन्स को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो ऐसे ही करके आप अपना बोरिंग फोटोज को बना सकते हैं सिनेमैटिक फिल्म लुक्स इमेज और फोटो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू